उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भाई ने 15 साल बाद अपनी बहन की हत्या का बदला लिया है। बदले की इस आग में भाई ने बहन के कातिल को मौत के घाट उतार दिया। मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव भोजगढ़ी का है, जहां बीती रात श्यामाचरण नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपी युवक पुष्पेंद्र ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए श्यामाचरण की गला घोटकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुष्पेंद्र ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी युवक पुष्पेंद्र इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन कई दिनों से मुंबई में रह रहा है। वह कुछ ही दिन ही पहले अपने गांव आया था। बताया जाता है कि आरोपी पुष्पेंद्र की विवाहिता बहन को नाजायज संबंधों के चलते करीब 15 साल पहले श्यामाचरण ने जहर देकर मार दिया था। तब पुष्पेंद्र बहुत छोटा था, लेकिन अब गांव वालों ने उसे इस घटना के बारे में बताया तो गुस्से में आकर वो श्यामाचरण के पास पहुंचा। नफरत की आग में पुष्पेंद्र ने श्यामाचरण से उसकी बहन को जहर दिए जाने की वजह पूछी। पहले उसने मेरी बहन को जहर दे के मार दिया था। कुछ दिन पहले, करीब 20 साल पहले। अभी दो तीन दिन पहले मैं गाँव आया था, मेरे को किसी ने बता दिया कि ये वो है, मैंने उसको मार दिया। पहले मैं उसको पूछा, बोले तूने क्यों जहर दिया था, कैसे था कैसे नहीं था, वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। आपस में झगड़ा होने लगा, झगड़े में वजह नहीं बताने पर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी पुष्पेंद्र ने श्यामाचरण का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रंजिशें पीढ़ियों तक चलती हैं, चाहे वो 15 साल पुरानी हो या 20 साल। देखते रहिए डीबी लाइव।